नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे एक डेढ़ या दो टन का एसी का मंथली बिल कितना आता होगा। ठीक है, ये वीडियो मैं काफ़ी सिंपल रखने वाला हूँ जिससे जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी इसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं हम एग्जैक्ट डेटा पर नहीं जाएंगे, यानी आप जैसे आपने सुना होगा कि टू स्टार, थ्री स्टार, फाइव स्टार हम रेटिंग के एसी आते हैं, तो अगर फाइव स्टार का लेने जाओगे तो आपको पर यूनिट कंजम्पशन कम पड़ेगा, यानी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ठीक है, ऐसा आपको अब जब लेने के आपको बोला होगा तो हम एग्जैक्ट डेटा पर नहीं जाएंगे, आपको मैं कॉमन जो डेटा है उसके हिसाब से हम जानेंगे कि आपका एसी का बिल मंथली इतना आ सकता है एवरेज। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक डेढ़ टन की बात, एक टन की बात करें तो जो एवरेज कंजप्शन है पावर कंजप्शन 1000 से 1500 वोट हो जाता है, तो हम एवरेज 1000 वोट उसका लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर डेढ़ टन का बात करो तो 1500 से 2500 वोट का पावर कंजप्शन रहता है, तो वो 2000 वोट हम कॉमन लेके चलेंगे। उसके बाद दो टन का एसी का होता है 2500 से 3500 वोट पावर कंजप्शन रहता है, उसका हम एवरेज 3000 वोट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको डेढ़ टन के एसी का एग्जाम्पल देकर समझाओ कि इतना हमारा मंथली बिल बन सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो हम डेढ़ टन का हम एसी लेंगे, ठीक है, तो वो हम 2000 वोट का लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए 2000 वोट के एसी जो हम चला रहे हैं 14 घंटे, ठीक है, 14 घंटे चला रहे हैं। ठीक है, मगर फ्रेंड्स जो हमारा जब एसी चलाएंगे तो उसमें से क्या होता है, 14 घंटे में से आपका इसका जो कंप्रेसर यूज़ होता है, तो कंप्रेसर 3 या 4 या 5 घंटे चलता है, उसके बाद तो सिर्फ नॉर्मल जो फैन रहता है वही वर्क करता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि ये 14 घंटे में से हमारा 5 घंटे कंप्रेसर, यानी जो हमारा डेढ़ टन का एसी है उसका 2000 वोट में वो पावर कंजप्शन करता है 5 घंटे के लिए, और बाकी के 9 घंटे 9 आवर्स ओनली फैन वर्क करता है, उसका जो वाट पावर कंजप्शन है वो 80 वोट होता है, 70 से 80 वोट होगा। ठीक है, यानी 5 घंटे हमारा फुल एसी चलेगा, ठीक, तो टोटल चला 14 घंटे, उसमें से 5 घंटे आपका कंप्रेसर चला, उसकी वजह से आपका 2000 वोट कंजप्शन होगा पावर कंजप्शन, और ये 9 घंटे चल रहा है तो मान लीजिए 80 वोट। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते इतना होता है एवरेज। ठीक है, इसकी तो मान लीजिए, तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कंजप्शन 1 लेके चलते हैं एक, तो वो होगा 2000 वोट के लिए, 2000 वोट हमारे चल रहे हैं 5 घंटे, तो डिवाइड बाय हम 1000 कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा 10 यूनिट, 10 यूनिट हुआ। ठीक है, इसके बाद कंजप्शन 2 लेके चलेंगे, कंजप्शन 2 जो यानी हमारे जो 9 घंटे के लिए जो फैन वर्क करेगा उसके बारे में, तो 9 इसका कितना 80 वोट लेके चलना, तो 80 वोट इंटू 9 घंटे और डिवाइड बाई 1000। ठीक है, इसको हम कर देंगे, यानी हमें मिलेगा 0.72 यूनिट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये हमें मिला एक दिन का, यानी इसका हम देख लेते 1 डे के लिए 10 प्लस 0.72, तो टोटल मिलेगा हमें 10.72 यूनिट। ठीक है, ये यानी हमारा ये एक दिन का 11 यूनिट जितना कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी हम 30 दिन के लिए गिन दे रहे हैं, कितना होगा 30 डेज के लिए, तो 30 दिन के लिए हम 10.72 × 30 कर देंगे। ठीक है, और 30 दिन के लिए हम गिनेंगे तो टोटल होगा 321 यूनिट। ठीक है, यानी 30 दिन का हमारा 321 यूनिट यूज़ होगा, तो अगर आपका जो 321 यूनिट है, ठीक है, तो मान लीजिए हम उसका जो प्राइस होगा एक यूनिट का, आप एवरेज प्राइस लेके चलते तो वो 5 रुपये लेके चलते हैं, तो टोटल मिलेगा हम 1600 रुपया जितना आपका जो बिल होगा मंथली एसी का, इतना आपका यूज़ होगा 1600। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो मैंने आपका 14 घंटा किया उसका आप 10 घंटा भी ले सकते हैं, 12 घंटा भी ले सकते हैं, आपके यूज़ के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम आवर्स गिन के रखे हैं, और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ये 5 घंटे ये हमारा कंप्रेसर चले, उसमें 4 घंटे भी हो सकता है, वो एसी के रेटिंग पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, या 6 घंटे भी हो सकता है, मगर जो आपका मंथली जो एवरेज बिल होगा वो मान लीजिए 1200 से 2000 तक एवरेज आ सकता है। ठीक है, इसके यूज़ के हिसाब से, यानी 1200 से 1600 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आप फ्रेंड्स एक डेढ़ या दो टन के एसी का जो एवरेज जैसे मैंने आपको बताया उसका वोल्टेज लेके आप इसी तरह कैलकुलेशन करके आपका घर का जो एसी उसका मंथली बिल का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आप इतना घंटे यूज़ करें तो आपका एसी का इतना बिल आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।